shopkeeper sells a pair of sunglasses at a profit of 25%. If he had bought it at 25% less and sold it for 10 less, then he would have gained 40%. The cost price of the pair of sunglasses is. देखो इस तरह के क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपका परसेंटेज कैलकुलेशन कितना फास्ट है, वो डिसाइड करेगा आपके क्वेश्चन का टाइम. ये क्लियर है? इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक जो बेसिक मेथड है और दूसरा जो ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें ये भी एडवांटेज होता है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिक मेथड देखते हैं क्या है. अज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो एसपी कितना हो जाएगा 25% ज्यादा, तो सिंपली 1.25x लिखोगे बच्चों. ये था केस वन में. सेकंड केस में आप क्या लिखोगे, 25% लेस पे खरीदा है तो 0.75 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, करेक्ट है. अब बेचा कितना में, 1.25x एंड माइनस 10. अभी भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 40% का. यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी बिजनेस को करने से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% है बच्चों, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110%. एज सिंपल एज दैट. तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा. तो यहां पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि जो एसपी बाई सीपी का रेशियो होगा वो होगा 140% डिवाइडेड बाई 100%. और यही वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1.25x माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाई 0.75x, करेक्ट है. परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.5x माइनस 100, और 14 से 0.75 को मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 14 × 5 = 70 एंड 14 × 7 = 98, तो ये हो जाएगा 10.50x. अगर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो यहां से मिल जाएगा 2x = 100, सो एक्स का वैल्यू मिलेगा आपको 50. नाउ अगर आपका परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, क्विकली कर पा रहे हो, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो. वो कैसे, देखो एक फंडा होता है, जब भी आप क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं है, मैक्सिमम केसेस में, एटलीस्ट 80% केसेस में तो ये वर्क करेगा ही करेगा. जब भी ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सबसे लोअर वैल्यू और सबसे हायर वैल्यू को फर्स्ट में चूज मत करो, आप मिडिल वैल्यू से लो. तो या तो यहां से आप 50 ले सकते हो, नहीं तो 60 ले सकते हो. जैसे अज्यूम कर लो कि मैंने 60 से लेकर ट्राई किया, तो सीपी को मैंने माना 60, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 25% ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 75. सेकंड केस में हमारा सीपी कितना हो जाएगा, इससे 25% कम, तो वो हो जाएगा 45, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहां से 10 कम यानी 65. तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 20 का ओवर 45. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 40% से ज्यादा है. ये क्लियर है? तो हमें प्राइस को कम करना पड़ेगा. तो प्राइस को कम करेंगे तो एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा ऑप्शन नंबर बी. 25 क्यों नहीं होगा, जैसे 25 लोगे आप और ट्राई करोगे 10 लेस देन के लिए, तो आपका आंसर नहीं आएगा, वो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा. 25 का पहले 25% लोगे तो 6.25 होगा, तो प्रिसाइजली कभी भी ये 40% प्रॉफिट नहीं देगा, वो फ्रैक्शन में आएगा परसेंटेज. तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटा में आंसर कौन सा होगा, 50 होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्टीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका परसेंटेज में कमांड होना मैंडेटरी है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.